अब हम बनाएंगे व्रत की खीर, शकरकंदी की खीर। ये जो है शकरकंदी है, इसे मैंने बॉईल करके ग्रेट करके लिया है और इसे मैं घी में भून लूँगी। ये कुछ एक ड्राई फ्रूट है, काजू, बादाम, पिस्ता, मनुका, ये सेंधा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, भुना जीरा, वनीला एसेंस अगर आपको चलता है तो डाल दीजिए। ये केला है, ये अंगूर है, और ये है सेब, और ये है पोमोग्रेनेट डाइम, और ये है करीबन आधा लीटर दूध। अब मैं एक चम्मच घी डाल के इसमें शकरकंदी डालूंगी और थोड़ा सा भून के लूंगी। देखिए मैंने शकरकंदी भून ली है, अभी इसमें डालूंगी मैं आधा लीटर दूध। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी शक्कर, करीबन 4 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें। तो ये अब देखिए हमारी खीर ऑलमोस्ट थिकन होने लगी है। शकरकंदी जो है इसे थिकन बनाती है। आप चाहो तो ज़्यादा शकरकंदी यूज़ कर सकते हो। तो मैं डालूँगी थोड़ा सा वेनिला एसेंस। अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी ये सैफरन स्टिक 7 से 8। देखिए इसे हम थोड़ा पतला ही रखेंगे, फ्रूट डालने के बाद और थिकनिंग आ जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसे निकाल देती हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं घी में भून लूँगी। देखिए इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है बल्कि हल्का गोल्डन ब्राउन कलर इसे देना है। फ्रूट के साथ साथ ड्राई फ्रूट का क्रंच जो है वो खीर में बहुत अच्छा लगता है। अब हम एक केला, जो इसको कलर आया है वो सैफरन की वजह से आया है, और मैं डालूंगी पोमोग्रेनेट, फिर ये है ग्रेप, ब्लैक ग्रेप, फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, भुना जीरा पाउडर, और ये कुछ उससे जो हमने तले थे। हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे फिर एक बाउल में निकालेंगे। ये जो मैंने रखा है अनारदाना, ये ऊपर से डालने के लिए रखा है। तो चलिए इसे फ्रीज में डालते हैं थोड़ी देर के लिए।